भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे शीतातपवात वरीषेण हे दिन यामिनी जागिरे विफले से विनु कृपण दुर्जना चपल सुख लवला गिरे ए धन यवन पुत्र परिजन एते के आछे परती रे कमल दल जल जीवन अटल मल भजहु हरि पद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मा निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन है, इसकी हम चर्चा करेंगे अब, और उसके बाद भगवद गीता पे हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न तो ये है, यशद अब इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, ये भजन लिखा किसने है? ये है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने।
जहां तक मैंने सुना है या किसने लिखा है, क्या जिस भी आचार्य ने लिखा, भक्तिवन ठाकुर ने लिखा है? नहीं नहीं, भक्तिवन ठाकुर जी ने लिखा है, गोविंद दास अभिलाषा रे, जहां तक मैंने सुना है ये स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, बट हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है गलत, लेकिन खैर जिस भी आचार्य ने लिखा है, आचार्य बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कह रहे हैं भजहूं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अपने मन को ही शिक्षा दे रहे हैं कि हे मेरे मन श्री नंद नंदन का भजन करो। और इसी यही थीम जो है आज हमारी गीता के श्लोक की भी है, कृष्ण की शरण लो। तो मन कह सकता है कि क्यों शरण लूं, तो कह रहे हैं अभय चरणारविंद रे, इस जगत में भी हम बहुत से लोगों के चरणों का आश्रय लेते हैं लेकिन वह स्वयं भय से मुक्त नहीं है, तो हमें भय से कैसे मुक्त करेंगे? कृष्ण प्रभु क्या लगता है आपको, बहुत से लोगों से हम लोग, बल्कि बहुत से लोगों के चरणों का शरण हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसे भय लगता है कि नहीं, तो उनसे भय से, वो भय से मुक्ति कैसे देंगे, हम तो भय के कारण उनकी सेवा कर रहे हैं। माइक पे बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की शरण लेने वाला व्यक्ति स्वयं ही निर्भयता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भयम द्वितीया भी निवेश तस्यात ईशादपे तस्य विपर्य स्मृति, अपने अस्तित्व को भगवान से अलग देखने के कारण ही भय होता है, और ये भय इस जगत का मूलभूत कारण है कार्य करने का, बिना भय के व्यक्ति कार्य नहीं करता, लेकिन कार्य क्यों भय हो रहा है, क्योंकि भगवान से अपने आप को अलग देखता है। तो व्यक्ति कह सकता है नहीं इस जन्म में नहीं करूंगा, आगे कुछ जन्म मिलेगा तो उसमें कर लूंगा, तो कहेंगे नहीं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह रे भव सिंदूरे, मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किल से मिलता है। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं या समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई एग्जाम होता है जिसमें 400,000 लोग बैठे हैं और 5,000 सीट हो तो कहते हैं बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन 84,00,000 लोग बैठे हैं और एक ही सीट हो तो फिर कि नहीं, तो 84,00,000 योनियाँ क्रॉस करके और हर योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग करके हमको योनि प्राप्त होती है, और उसमें भी सत्संग किसको प्राप्त होता है। देखिए इस श्लोक को, इस क्या कह सकते हैं, इस भजन को अपने हृदय में हम उतारेंगे तो भक्ति का मूल्य समझेंगे। हमने पहले भी चर्चा किया था कि समुद्र में हम डूब रहे हैं, अनुभव नहीं होता है, डूब रहे हैं, रस्सी प्राप्त है इस सत्संग की, उसको हमें पकड़ के रखना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे छोड़ दो, देखो नीचे की शार्क बहुत अच्छी है, सागर की बहुत सुंदर सुंदर शार्कें हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए, सुंदर हो सकती हैं लेकिन वो केवल शार्क हैं, हमें गपच जाएंगे, गपच जाएंगे मतलब अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य हम कितना भ्रमित हो जाएंगे हम समझ भी नहीं सकते असत्संग की वजह से। तो कह रहे हैं तरह रे भव सिंधु रे, इस भव सिंधु को, जन्म मृत्यु के सिंधु को पार कर जाओ। लेकिन वो सिंधु किस प्रकार का है, तो नीड क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये सिंधु बहुत सुंदर है, क्या ये अमृत का सिंधु है, तो कह रहे हैं नहीं, शीत आतप वात वरीषेणा ए दिने यामिनी जागिरे, शीत मतलब ठंडा, आतप मतलब गर्मी, वात मतलब आंधी, वो आई थी दिन पहले आई थी ना, परसों आई थी ना, परसों आंधी, वरीषेणा मतलब वर्षा, इस सहन कर रहे हैं जगत में, दिन यामिनी जागिरे, दिन रात हम इसको दुख भोग रहे हैं, और विफले से विनु कृपण दुर्जन, कृपण मतलब होता है कंजूस, दुर्जन मतलब खराब लोग, बिना फल के मैंने खराब कंजूस लोगों की सेवा करी, इस पर हम चर्चा करेंगे। खराब कंजूस लोग कौन हैं? दो लोग हैं, इस जगत के लोग और हमारी इंद्रियां दोनों ही। इस जगत के लोगों की कितनी भी सेवा कीजिए वो कहेंगे वो कभी संतुष्ट नहीं होते, वो कहीं नहीं कहेंगे कि तुमने मेरे लिए बहुत किया है, तुम रिटायरमेंट ले लो, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पति पूरा जीवन भर सेवा करेगा और संन्यास लेना चाहेगा तो पत्नी कहेगी तुमने अभी क्या किया हमारे लिए, लड़की की शादी नहीं हुई, बेटा सेटल नहीं हुआ है, तुम संन्यास लेना चाहते हो। और हमारी इंद्रियां जिनकी हम लोग अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं फिर भी इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती, हम थक जाएंगे सेवा करते करते फिर भी संतुष्ट नहीं होती, लेकिन हम क्यों सुख कर रहे हैं? चपल सुख लव लागिरे, चपल मतलब चलाए मान, तो बहुत जल्दी चला जाएगा, उस थोड़े से सुख के लिए मैंने इन दुर्जनों की सेवा करी है, कृपणों की सेवा करी है, कैसे क्या करते हुए, शीत आतप वात वरीषण सहते हुए, ये सारे दुख सहते हुए मैं अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा हूँ, और इन्हीं इंद्रियों की सेवा की वजह से बार बार मुझे दुख सहन करने पड़ रहे,
क्या है वो, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदिंद्रिया प्रीतमापनोती। ये सब बातें आपको शायद आपको लग रहा होगा हमने सुनी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सुनी है, लेकिन बड़ी गंभीर है, हृदय को एकदम हृदय में प्रवेश करने वाले सॉन्ग है, बहुत महत्वपूर्ण। और कब तक करता रहूंगा ये विचार करना चाहिए। फिर कह के नहीं, देखिए भाई आपका यौवन है, धन है, ये रक्षा करेगा, पुत्र परिजन रक्षा करेंगे। तो कह रहे नहीं, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आछे प्रतीति रे। प्रतीति मतलब क्या क्या रियलिटी है इनकी, इस पे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब ये धन यौवन पुत्र परिजन क्या है, इसकी क्या रियलिटी है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का मैं कथा सुन रहा था, इतना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने कि आप जब हवाई जहाज में जाते हैं, यदि हवाई जहाज में जाएं तो वहां पे बहुत सुंदर सी मिस्ट्रेस होती है, मिस्ट्रेस बोलेंगे वेट्रेस होती है, एयर होस्टेस होती हैं, वो आपको आके पूछेंगी आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, बहुत बहुत स्वागत आप यहाँ पे आए, वेरी नाइस, आप क्या चरणामृत देना चाहेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना कौन सा चरणामृत देते हैं, वहाँ पे पानी नहीं देते हैं लेकिन वो वाला चरणामृत देते हैं, ये सामान रख दीजिए तरी। तो चरणामृत मेरा मतलब कहने का अर्थ है कि समझ रहे ना, शराब फ्री मिलती है, तो शराब तो लोग खूब सर्विंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ सर्विंग करते हैं जो हम बताना नहीं चाहते, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब आपकी फ्लाइट उतर जाएगी तो उनका आपसे कोई संबंध नहीं होगा। बहुत अच्छी बात मेरे को लगी, बहुत अच्छी बात, विचार कीजिएगा, जो भौतिकतावादी संबंध हमारे परिवार के लोग हैं वो तथाकथित रूप से सेवा करते भी हैं, तो केवल पहली बात तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और सेवा भी करेंगे तो कब तक करेंगे, जब तक हमारी ये शरीर रूपी फ्लाइट है, और बुढ़ापे में तो कौन सेवा करता है, तो यही कहते हैं कि अच्छा होता कि राम जी उनको उठा लेते, सुना है आपने, जब कोई वृद्ध हो जाता है तो कहते अच्छा है राम जी उठा लेते, बड़ा दुख भोग रहे हैं, दुख नहीं भोग रहे हैं ये कहो महाराज, कहते हैं कि तुम्हें सेवा करने में कष्ट हो रहा है, अब तो राम जी इनकी सुन लेते तो बहुत अच्छा होता। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा उदाहरण लगा कि कुछ समय के लिए सेवा कर रहे हैं और सब छोड़ देंगे। लेकिन अब एक प्रश्न आता है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं मैं वैष्णवों का संग करूंगा, तो वैष्णव भी तो तभी तक संग दे रहे हैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तो क्या अंतर है ये बता सकते भाई, परिवार वाले तभी तक सेवा दे रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूं, अगर सेवा दे रहे हैं तो वैष्णव संघ भी तो हमें तभी तक प्राप्त हो रहा है जब तक हम जिंदा हैं, तो अंतर क्या हुआ, माइक बताइए। दो चीजें, एक तो भौतिक जो संघ है वो हमें बंधन में बांध रहा है, वेरी नाइस, और दूसरा है कि जो है वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वेरी गुड, और वैष्णव जो है निस्वार्थ कर रहे हैं हमारी सेवा, हमारा संघ दे रहे हैं, तीसरा, और वो बंधन जो है हमें बांधने वाला नहीं है, हमें मुक्त करने वाला है। एक और पॉइंट बोल दीजिए, वैष्णव संघ शाश्वत है, इस जीवन में भगवान की आप सेवा कर रहे हैं वैष्णवों के संग में, तो अगली जन्म में ऐसा नहीं कि आपको कुकर्मियों के बीच में डाल देंगे, आज जो संग मिल रहा है वो भगवत कृपा से मिल रहा है, उसका लाभ उठाएंगे तो आगे भी मिलने वाला है, और बढ़िया मिलने वाला है, भगवत धाम में मिलने वाला है, कितना इंकरेजिंग है, कभी आपने सोचा ये बात। अब एक ऐसी कंपनी में चले गए हैं जहां देर इज अ, हम लोग NTPC में काम करते थे उसमें बोलते थे जीरो फायर पॉलिसी, समझते हैं इसका मतलब, फायर मतलब नौकरी से निकाल देना, जीरो फायर मतलब आपको कभी भी नौकरी से नहीं निकाला नहीं जाएगा। इस कंपनी में घुस रहे हैं हम लोग, कृष्ण कंपनी। उसके बाद कह रहे हैं प्रतीति रहे, उसके बाद बोले हैं कमल दल जल जीवन टलमल, टलमल ऐसा है जीवन, एक क्षण में हम समाप्त हो सकता है, कब ये मानव जीवन छूट जाएगा, इसलिए कमल दल जल समझ रहे हैं, कभी आप देखिएगा कमल का दल जो होता है ना वो चिकना होता है, आप पानी की बूंद उस पर डालेंगे तो जैसे पारा होता है ना, पारे की तरह बन जाएगी और साए से गायब हो जाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत लंबा जीवन हमारा चल रहा है, अभी तो बहुत समय है भजन करने के लिए, लेकिन साए से हमारा जीवन निकल सकता है, सट से खत्म हो जाता है, क्योंकि मरने की उम्र तो कुछ होती है, क्या होती है ललित मोहन प्रभु, मरने की उम्र कब मरता है आदमी? एक बार इनसे, इनके रिश्तेदार थे, आपके ताऊ जी मर गए थे ना, तो मेरे रिश्तेदार आ रहा है, कहते हैं अरे उनकी तो अभी मरने की उम्र नहीं थी, हमने कहा मरने की उम्र तब होती है जब मरने का टाइम होता है। कोई मरने का उम्र या मरने का टाइम नहीं होता, कभी भी मर जाते, तो समझ नहीं पाए हमारी बात को, कभी भी मर सकते हैं, माँ के गर्भ से हम लोग जिंदा निकल आए, यही बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात। तो कह रहे हैं भजहूँ हरि पद नीति रे, इसीलिए भगवान श्री हरि के चरणों की भजन करना ही ये नीति है, सबसे अच्छी नीति है। और कैसे भजन करना है, श्रवण कीर्तन, तो आसान है, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे, सब जानते हैं इसका अर्थ, पूजन सखी जन, सखी जन मतलब सखी भाव में पूजा करना।
सखी जन में पूजा का मतलब ये नहीं कि सखी भाव में पूजा करना, अर्थात भगवान का अपना मित्र मानना, आत्मनिवेदन अपना समर्पण करना, गोविंद दास अभिलाषा है, ये गोविंद दास की अभिलाषा है। हाँ मुझे याद आ रहा है कि गोविंद दास कविराज गोस्वामी है, गोविंद कविराज, सॉरी हाँ कृष्णदास कविराज नहीं, गोविंद कविराज, गोविंद कविराज के द्वारा लिखा गया है। तो ये भजन है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मेरी इच्छा थी चर्चा करने की हम इसको